आपने आपके किसी हाँ नहीं मैं समझ गया, रैंडम रैंडम सेना ने दी थी उसको गालियां, मैक्सन ने, वो रैंडम सेना की बात कर रहा हूँ जस्ट। राइट, तो देखो बट वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आई डोंट नो कितने लोग हैं जो उस वाली स्पेस में थे और उस वक्त जो उन लोगों ने किया नहीं किया, अभी तो हम आज की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो थे वो डिसाइड करेंगे, हम लोगों में से तो कोई था नहीं उस वक्त। बट हाँ, मैक्सन से मेरी बात हुई थी और वन ऑन वन हुई थी, मैन टू मैन हुई थी, हम लोग अच्छे दोस्त थे और कोई कोई इशू था वो सॉर्ट आउट भी हो गया था। अब आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो आई डोंट एक महीने पहले की बात है, तो आई डोंट नो इफ यू हैव होल हिस्ट्री अबाउट दैट केस। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा ब्रो, मैं तो सिर्फ सिंपल सी ना, मैंने किसी को हेट देना कुछ दिया, मैं तो बात सिर्फ जनरल बात बता रहा हूं कि हुआ है बस। बात खत्म, मना मैं नहीं, गलत मैं तो किसी साइड गलत है, बहुत बहुत गलत चीज है, वही तो मैं बोल रहा हूं, किसी और को इतना अच्छा कंटेंट बनाना है आगे एंड आप इतना अच्छा काम करते भी हो, हम तो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या कंटेंट आएगा, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम हैव गेन। नहीं, सार्कास्टिक सार्कास्टिक वे में बोला था। बस बात खत्म, ना मेरे को किसी का। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट जो भी बोला, बट I think that ID also should be reported. अगर उसमें parody नहीं लिखा, तो you can actually get blocked. नहीं, जिस भी ID में अगर किसी भी YouTube मतलब किसी को भी लेकर गालियां पकी जा रही है and उसको इन्हों म्यूट नहीं किया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा है, वो सारे गलत है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। सही बात है। अच्छा वो भाई, मेरे भाई क्या हाल चल रहे हैं? बढ़िया यार जाकिर भाई, आपसे काफ़ी टाइम बाद बात हुआ, वही थोड़ा आज मैं देख रहा था थोड़ा काफ़ी कौन छोड़ जो, मैंने इसलिए मैं आप वो मतलब आपको मैसेज किया था कि भाई हाल है केकल भाई, ठीक हो? हाँ बढ़िया, आप बताओ कैसे हो भाई? यार आज तो नहीं है, आज तो कसम से नहीं है, आज नहीं है, नहीं है, आज नहीं है। आज भाई का बुधवार चल रहा है यार, मिलन भाई यार तुम यार क्या कर रहे हो ये? क्या व्हाट इज दिस? क्या कर लिया मेरे भाई? बिग बॉस फिर से चालू कराओ बोल रहे हो, ये क्या बदतमीजी है? अभी तो सर दर्द गया है यार, व्यूज भी तो देख लो, पैसे वैसे आ रहे थे वही तो है, देख लो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं इनको व्यूज से मतलब, आदमी को कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। चलो यार बाकी मिलिंद भाई बेरोजगार होते हुए। अच्छा आकाश भाई आपने मतलब पूरा शो फॉलो किया? अच्छा वजाहत भाई बोल दी पहले। हाँ हेलो भैया, नेटवर्क इशू है क्या? वजाहत सर इन द हाउस। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? सारे बढ़िया यार। मिलन भाई क्योंकि ये आपकी टेरिटरी है, मैं आपसे पूछता हूँ यार, ये ट्विटर का पैसा वैसा आया आपके पास थोड़ा बहुत क्या? नहीं नहीं पैसे तो नहीं है, मोनेटाइज हो गया, पता नहीं, देखते हैं भाई कितना पैसा आया होगा, कितना आएगा मैं डाल दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट। तेल का नहीं खर्च, अच्छा, गाड़ी का तेल का खर्च और मेरा खर्च अगर आ जाए हो गया मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो देखो मैं बताता हूँ, गाड़ी का खर्च, घर की किस्त, गाड़ी की किस्त सब निकल जाएगी अगर अगले बिग बॉस में भी दो यूट्यूबर चले जाएंगे तो। यार घर का किस्त ही नहीं देना पड़ रहा, वो सही। ये वो अच्छा है ना। अरे आपको दिल्ली या मुंबई में घर दिलाएंगे ना, खरीद के अपने ही थोड़ा यू नो अच्छा सा घर बनाएंगे।
गुवाहाटी मुझे बड़ा अच्छा लगता है वैसे। अच्छा आकाश भाई आए हो भैया? ये घर नहीं विला बनाएगा, मैं बता रहा हूँ मिलन भाई, विला नहीं विला बनाएगा, विला थोड़ा अच्छा थोड़ा सा घर बनाऊंगा, अच्छा सा बनाऊंगा भैया। घर में तो हम गरीब लोग रहते हैं, न्यूज़ वाले तो विला में रहते हैं, विला में। हां मिलन भाई नहीं यार। अच्छा जासूस भाई चले गए। अच्छा आकाश भाई आप आए हो क्या अभी गुवाहाटी? नहीं आया तो न्यू ईयर में, बट आना चाहता हूँ, बहुत जोरों से आना चाहता हूँ पूरा, मतलब अगर तीन चार महीने में। मैंने मैंने इतना सुना है ना गुवाहाटी की सुंदरता के बारे में कि मतलब सीरियसली आई एम कंसीडरिंग इट, और मुझे नहीं अच्छा है यहाँ पे ज़्यादा करके, वही है गुवाहाटी से अगर आप इस तरफ आओगे हमारे इस तरफ तो ज़्यादा करके चाय वो वाला है, वो क्या बोलते हैं वो चाय बगान। पर मैं सोच रहा हूँ वहाँ आने से पहले एक ब्लॉग चैनल शुरू कर दूँ। ये सही है। और मेरा आपको सजेशन है आकाश भाई, आप ब्लॉग चैनल स्टार्ट करें, उसके बाद गुवाहाटी घूमें। आसाम बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उससे थोड़ा ही आगे ना वो है मेघालय है। हाँ। और मेघालय में इतना ज्यादा सीनिक ब्यूटी और एवरीथिंग, यू विल फॉल इन लव विद द प्लेस फॉर श्योर। एंड यू नो व्हाट वजह, एक्चुअली ये बीच में एक दलाई लामा कंट्रोवर्सी हुई थी। अच्छा। तो उसमें मैंने अपोलोजाइज किया था, एक वीडियो बनाया था और उसके बाद अपोलोजाइज भी किया था, ठीक है। तो मेरे से कुछ गलती हो गई थी, उसको मैंने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जो तिब्बत के लोगों का जो प्यार मिला है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। इतने लोगों के मैसेजेस आए, इन्विटेशन आए, और जो हमारे रियल फुनसुक बांगड़ू हैं जो लद्दाख में रहते हैं, उनका भी पर्सनल मेरे पास मेल आया कि आप आइए। तो अब मैं ये सोच रहा था, इनफैक्ट यू नो आई वाज थिंकिंग कि दिस ईयर आई शुड एक्चुअली पुट अप सम काइंड ऑफ अ ट्रैवल प्लान। वैसे भी आई एम अ डिजिटल नोमैड नाउ, पहले तो मैं जॉब में था तो वहाँ तो मुश्किल होता था, बट अब मैं ये कर सकता हूँ। एंड आई रियली वांट टू ट्रैवल एंड काइंड ऑफ व्लॉग इट आल्सो, तो मेरी लिस्ट में है अभी इस साल। हाँ मेघालय में ना वो एक नेचुरल लाइमस्टोन या सैंडस्टोन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, उसकी केव्स हैं और वहाँ पर चेरापूंजी है, सेवन सिस्टर फॉल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा। अच्छा वाओ वाओ, मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, पूरे देश दुनिया घूमता रहता हूँ, तो मैंने अरे हाँ नहीं नहीं वो एक गुफा है आकाश भाई, एक ना दो तीन गुफा है, ठीक है। हम तो गए थे वो मिड वाले में, जहाँ पे आप अगर अकेले दिन में भी जाओगे तो आप मतलब भयंकर वाला डरोगे भाई। एंड अगर आप रात, वो तो अलग रात, एक और था जो कि आपको ना झुक के चलना, झुक के भी नहीं, आपको सोते सोते चलना होगा कि इतना रहना पड़ेगा मेरे सामने। नहीं वो एकदम सा छोटा और अंदर इतना मतलब ब्लैक पूरा अंधकार भाई, बढ़िया है वो जगह, एक नंबर। शिलांग तो यस यस मेघालय बेस्ट है। चलो सही है, आई गॉट माय ट्रैवल प्लान। मिलन भाई यस भाई बताओ ना मेरे को। देखो आप जब भी ऐसा कुछ डिस्कशन कर रहे हो तो दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू रख कर क्या करो, या तो आप एक जने का पॉइंट ऑफ व्यू रख कर क्लियर मत क्या करो। आपने मैंने आपको बोला था, मैंने क्या किया भाई ये बता दो आकाश भाई। आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना था तो उस टाइम ना आपको ना इस चीज को नहीं करना था, जिस टाइम जासूस था उस टाइम आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए। मैंने आपको ये बोला था कि वो गलत बोल रहा है, हमें बोलना दीजिए आपको, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं दिया। ऑलरेडी आकाश भाई बात कर रहे थे उसमें, तो मैं इसलिए नहीं लाया भाई, अभी मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे करके। यार क्या बात कर रहे हो यार, मैंने सिर्फ दो जन को या तीन जन को रखा था, शायद आकाश भाई थे, मैं था और कौन था उस टाइम पे, वजाद भाई शायद थे शायद स्पीकर, और कोई मतलब क्या हुआ बात है, कुछ हुआ ही तो नहीं यार। आकाश भाई, जासूस भाई और मैं था, हाँ जब बात चल रहा था, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो गया भाई, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बता दो एक बार यार क्लियर कर दे। क्लियर तो मैं कब से कर रहा हूँ, क्लियर तो मेरे लाइव पीरियड में कब से चल रहा है। नहीं मतलब मेरा, मैं क्यों नहीं ला रहा था पता है, मैं अगर ज़्यादा सारे अगर एलविस भाई के ही फैंस ला दूंगा तो यार वो फिर जासूस भाई के लिए भी वो होगा ना, कि मैं इसलिए चलो वीर भाई को तो माइक दे दो, एलविस भाई के फैन नहीं है वो, दे रहा हूँ भाई। और मुझे लगता है यार पॉइंट ऑफ व्यू है सबका अपना अपना, अगर किसी ने पॉइंट हेलो
आपको इतना किसी को पसंद आया किसी को पसंद नहीं आया उसको छोड़ दो यार, आगे बढ़ो ना किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। हेलो भाई, जो वो लड़का था जो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सारी बातें, ठीक है। एक लड़का था जो अभिषेक के नाम से, वो अभिषेक के जो टीम मेंबर थे उनके एक प्रेस में भी साथ में देखा गया था। मतलब वीर भाई बहुत ही इशू है भाई, हो रही है बस। नहीं वो सुबह से है ना अभी आवाज हाँ आ रही यार। हाँ तो वो लड़का जो अभिषेक वगैरह के या फिर जिन जिन लोगों को ये बिग बॉस के फैन बेस में सपोर्ट करता उन लड़कियों को हम पे उससे गले का, फिर उनके न्यूज़ लेता है और उनको ब्लैकमेल करता है, हिंदू गॉड रिलीजियस जितने भी हिंदू गॉड्स हैं उनको अब्यूज करता है, बहुत सारे सेलिब्रिटियों को भी माँ बहन की गालियाँ दे रखी, वो किसी का फैन नहीं है। लेकिन उसमें क्या हुआ था, जासूस वगैरह कल का लोंडा वजत वगैरह उसके साथ सेम स्पेस शेयर कर रहे थे, जिसके बाद में लोग अभिषेक को गालियाँ दे रहे हैं। आई डोंट इवन नो कि अभिषेक को तो पता भी होगा उस चूचे के बारे में, बट अगर ये सारी चीज़ पूरे ट्विटर को पता है कि वो बांग्लादेशी है और वो कब से शेयर कर रहा है। अरे भाई रुको ना यार, रुको ना, एक मिनट शांत, सारे शांत। नहीं नहीं बोल, गलत नाम ले रहे हो। मैं भी तो अभी अरे कल का लोंडा, तुझे बात ही पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। शांत, हाँ क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ पहले हाँ मैं बोल रहा हूँ, जिसमें जासूस वजत और कल का लोंडा को पता नहीं था कि वो बांग्लादेशी है, ना निश्चय को पता था, ठीक है। ये बात मेरी जासूस से कॉल पे हुई, उसने बता दिया, ठीक है ब्रो, बात सुना करो अच्छे बच्चे की तरह। देन जासूस भाई ने बोल भी दिया उस अकाउंट को रिपोर्ट मारो। सीधी बात करो भाई, मैं बात बोल रहा हूं भाई, ऐसा मत बोलो भाई, भाइयों बात करो भाई, भाइयों सभी से बोल रहा हूं, कोई दूसरे कंट्री का लड़का आके अगर हमारी बहन बेटियों को गालियां दे रहा तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके अकाउंट को रिपोर्ट करें। हमारी जिम्मेदारी, सच्ची बोल रहे हो, मैं सपोर्ट करता हूं भाई। कल का लोंडा भाई आप ही लोगों को बोलो, जासूस भाई आप ही बोलो, बजाज भाई आप ही बोलो कि मैंने बोल दिया ब्रो स्टार्टिंग में, मैं बोल रहा हूँ दो मिनट वीर भाई, दो मिनट भाई। देखो ऐसे लोगों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और मेरे को नहीं मालूम ये कौन है कौन नहीं है भाई, ठीक है। हमको किसी के बारे में पर्सनली नहीं पता, पास में क्या किए, फ्यूचर में क्या किए, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, हमको नहीं पता। मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, मेरी बात सुनो, अकाउंट मैंने मेंशन कर रखा है, मेरी प्रोफाइल पे सारे ट्वीट है, सारी स्क्रीन शॉट है, सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो जो जिम्मेदार नागरिक है जो स्पीकर में है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, फिर लोग कॉल आउट करेंगे ना तो लोगों को सफाई देते फिर होंगे। इससे अच्छा भाई उसकी हरकतों को हम खुद सपोर्ट नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे भाई, भाई रिकॉर्ड करके शेयर कर दो। मैं अच्छा गाइस एक सेकंड, वीर एक सेकंड, देखो सिंपल सॉल्यूशन है, जासूस पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल सॉल्यूशन है इसका। मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि ये गलत है, और देखो हर स्पेस में नहीं पता होता किसका क्या कैरेक्टर है, किसकी क्या हिस्ट्री है, तो आई थिंक ये लर्निंग हम सब के लिए, एक कम्युनिटी की यूनिटी दिखानी चाहिए जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो, चाहे कहीं से भी हो, ऐसे ऐसे प्रोपोगेंड्स को आगे नहीं बढ़ने देना, कि वहीं उनको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, खत्म करो इस बात को। और वीर ने इसको रिपोर्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वीर ऐसी चीज रिपोर्ट करने के लिए, और किसी को भी मिलती है ऐसी कोई एंटी सोशल आर्गुमेंट। आकाश भाई आई एम सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, मैं बोल कि प्लीज वीर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज कट रहा है, अभी आवाज आ रही है आकाश भैया, आ रही है वीर भाई आ रही है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बजाज भाई है, जासूस भाई है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे बदनामी हो रही है, कैप्टन को मेंशन किया रिपोर्ट पार्ट है, हम इसको नहीं जानते, ये लोग अभिषेक का नाम यूट्यूब पे लोगों को गाले दे रहा, हम इसको नहीं जानते ना हमारे टीम मेंबर है, देखो लोगों को पता रहेगा भाई, हमें हजार लोगों को अच्छा एक सेकंड लोगों को पता, 2 लाख लोगों को वीर एक सेकंड वीर एक सेकंड ना एक सेकंड, देखो वजाहत और केकेएल को मैंने फॉलो किया है, मैंने देखा है, आई थिंक दे आर वेरी मैच्योर, वो मैसेज उनको मिल गया है, जासूस ने भी बोल दिया है, आई थिंक ये मैसेज सबको क्लियर है, अब हमें बस ऐसे ये करना है, जितने भी लोग यहाँ हैं आई थिंक वीर की टाइमलाइन पे जाके उसकी आइडेंटिफिकेशन देख लो,
एंड एक छोटा सा मैसेज अपनी कम्युनिटीज में कर देना, बिकॉज एक्चुअली जो उसके मैंने कुछ एक दो देखे हैं बहुत ही गंदे हैं और बहुत ही घटिया थिंकिंग है। मतलब ऐसे बंदे को तो मतलब सीधा अरेस्ट करवाना चाहिए। आकाश भाई एक छोटी सी बात थी कि मतलब आप सारे इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हो, आप लोग इतने लोग आपको जानते हैं, एक छोटा सा अगर ट्वीट ही डाल लोगे उसके अगेंस्ट तो कोई बड़ी बात भी नहीं होगी आप लोगों के लिए। मैं यही चाहता हूं कि आप एक छोटा सा ट्वीट डाल के उसको रिपोर्ट के लिए या ब्लॉकिंग के लिए कह दोगे, वो लोग अपने आप समझ जाएंगे। नीचे स्काई बैठा उसको माइक दे देना। बिल्कुल 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 ऐसा कर सकते हैं। और जो वीर का ट्वीट है उसको भी हम लोग रीच दे सकते हैं मिलके, आई थिंक। और ये ना ये जो चीजें होती हैं ये हमारी यूनिटी दिखाती है। एक शो था गाइस वो खत्म हो चुका है, उस शो में हम लोगों ने अपनी ओपिनियंस दी, शो को देखते देखते हम थोड़े से सेंटिमेंटल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यूट्यूब कम्युनिटी की बात आती है किसी और, स्पेशली हमारी कोई भी ऐसा सोशल इशू है, देखो मेरी तो निशी यही है, मैं तो मतलब सीरियसली जो वीर ने रिपोर्ट किया बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया, कोई भी ऐसा है किसी भी फैंडम में तो हमारे मज़े ले रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिस अभी इससे पहले आप लोग आए थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था अर्शदीप सिंह का, जिसको खालिस्तानी बोला बहुत लोगों ने जब उसने उसकी वजह से मैच हार गए थे हम लोग, उसके बाद पता चला वो सारे पाकिस्तान के अकाउंट से और प्रिटेंड कर रहे थे एज इंडियन। तो ये ना बड़ा अच्छा तरीका होता है टू क्रिएट डिवाइड एंड मजे लेने वाला। तो ऐसे लोगों को स्पॉट करो और सीधा ब्लॉक और रिपोर्ट करो, सिंपल। ऐसा है आकाश भाई, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, अभी लास्ट टाइम भी निश्चय भाई आए, बड़े लोग आए, हमने उनको यही बात बोली थी कि जैसे ये खान हो गया, किंगस्टन हो गया, ओजी नोबिता हो गए, ये वो लोग हैं जो मॉर्फिंग करते हैं लड़कियों की और लड़कों की, तो आप उनको कोट आर्टी करते हैं। निश्चय भाई का ट्वीट कोट आर्टी है ओजी नोबिता का, चलो वो हो जाती है गलती से, वो इतने बड़े क्रिएटर हैं नहीं नोटिस करते, बट हम उन्हें बार बार बताते रहते कि ऐसी ऐसी चीज़ है तो आप इस चीज़ पर कंट्रोल करो। अगर उसके बाद भी वही सेम चीज़ रिपीट होती है ना, वो चीज़ देख के बहुत बुरा और बहुत डिस्टर्बिंग सा लगता है कि ये लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं ठीक है, डिस्टर्बिंग इसलिए नहीं लगना चाहिए, आई टेल यू व्हाट, कि जितना बड़ा क्रिएटर होता है ना वो उतना कम देखता है। और मैं निश्चय के एंड पे ये बता सकता हूँ, निश्चय को पता हो तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज आई नो दैट गाय। और एक और चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि गलती सबसे हो जाती है, वही मैं कह रहा हूँ इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये मतलब ये लर्निंग तो हम सब के लिए है ना, ये एपिसोड हुआ है तो हम लोग थोड़े और कॉन्शियस हो गए इस चीज़ के लिए। और आकाश भी हम जानते भी नहीं है कौन है क्या है, मैं सच बताऊँ हम जानते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। अरे ऊपर आईडी एक काम कर भाई वीर, ऊपर ना टाइटल में सबकी आईडियां टैग कर दे, इतने भी हैं और सबको रिपोर्ट अभी करवा देते हैं। हां ये कर ले भाई, एडी को कोर्स दो, एडी टैग कर देना। हां सबकी आईडियां ऊपर मेंशन कर दे भाई, रिपोर्ट एडी को कोर्स टाइटल मैंने एडी को कोर्स देना। हां हां एनीस करना मेरी आईडी, मेरा नेट नहीं चल रहा। और आकाश भैया प्लीज डीएम दे दो। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा नाम क्यों आया, केकेएल का जासूस का। हम लोग नहीं, ये चीज नहीं है बजाज भाई, एक चीज मैं रखना चाहता हूं, बजाज भाई वो ऐसा कर रहा था, मुझे कुछ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला इस बात का, इसलिए मैं थोड़ा शांत हूं। बजाज भाई एक बात बताता हूं, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। जासूस भाई कह रहे थे मैंने एक ओपिनियन दिया, और आकाश भाई ने उस चीज़ को बड़ी लाइटली और अच्छे तरीके से ख़त्म किया। बट मेरे एक बात होती है कि अगर आज मैं स्पेस में बैठा हूँ और मेरे को पता है कि बाहर कोई ऐसी चीज़ें चल रही है जिस ओपिनियन से, मेरे ओपिनियन से, मैं चाहे किसी को कुछ भी ना हो बट मेरा एक ओपिनियन है, मेरे उस ओपिनियन से बाहर कुछ भी हो सकता है। शायद मेरे ओपिनियन से लोग आपस में लड़ जाए, शायद आपस में एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ भी देने लग जाए, बट भाई ने ओपिनियन दिया, भाई ने किसी को टारगेट नहीं किया। मैं भी यही कहता हूँ कि कुछ लोग एंगेजमेंट के लिए ऐसा कर देते हैं, अब वो लोग अपने पे ले ले तो वो बड़ी गलत बात है, बट ओपिनियन ऐसा दो सर कि आपको पता है कि बिग बॉस खत्म हुआ और बिग बॉस के टाइम पे बिग बॉस नहीं चलता, बिग बॉस जब खत्म होता है ना उसके बाद बिग बॉस चालू होता है असली ट्विटर पे, ये रियलिटी है। एक दूसरे की मॉर्फिंग करना चालू कर देते हैं, लोग गालियाँ देना चालू कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आप इतने बड़े क्रिएटर हो तो आप अपना ओपिनियन भी उस टाइम पे दो, थोड़ा सोच के समझ के। एडी भाई सबसे पहली बात तो है ना, ट्विटर पे ना मोस्टली बुली भरे पड़े हैं भाई, मोस्टली बुली भरे पड़े हैं, सब ना कुछ करते ही रहते हैं भाई। मैंने देखा है, मैं जो आंखों देखा बता रहा हूँ भाई,